नमस्ते, बी एड सेकेंड ईयर, अपना जो सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान शिक्षण। आज का जब का टॉपिक है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, जो सामाजिक विज्ञान की प्रयोगशाला का जो स्वरूप है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, है ना। सामाजिक विज्ञान की प्रयोगशाला का स्वरूप, सामाजिक विज्ञान की प्रयोगशाला का जो स्वरूप है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत जो अपन ने इसकी जो सामाजिक विज्ञान शिक्षण की जो प्रयोगशाला है उसकी आर्थिक बार अपन अध्ययन किया है। आज जो अपना है इसमें जो सामाजिक विज्ञान की जो प्रयोगशाला है उसके बारे में स्वरूप के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। वैसे जो वेस्टे के अनुसार उन्होंने बताया था जो सामाजिक विज्ञान की प्रयोगशाला को एक कक्ष अथवा कक्षों के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और जिसमें सामाजिक विज्ञान के अनुदेशन से संबंधित समस्त लिखित श्रव्य दृश्य सामग्री रखी जाती है। इसमें रखी जाती है जो प्रयोगशाला है सामाजिक विज्ञान की प्रयोगशाला है उसमें रखी जाती है। इसी के साथ में जो को एफ सी है के अनुसार जो सामाजिक विज्ञान की जो प्रयोगशाला के स्वरूप में इसमें जो अधिकांश छात्र अपनी जो जो ब्रांच होती है वो अध्ययन एवं लिखित कार्य करते रहते हैं, है ना। और उसके अलावा जो दो अथवा तीन छात्र किसी भी संदिग्ध या विषय पर चर्चा कर सकते हैं, है ना। तो ये दूसरे छात्र जो किसी भी कार्य की जो रूपरेखा अथवा नोट्स की जो तुलना कर सकते हैं और कोई छात्र शब्द कोष को देखने में संलग्न हो सकता है और दूसरा जो एटलस देखने में व्यस्त हो सकता है और तीसरा पेंसिल को मुक्ति कर सकता है अथवा जो शिक्षक से किसी भी कठिनाई के संबंध में राय ले सकता है अथवा जो अपने नोट अथवा रूपरेखाओं की आलोचना कर सकता है। सामान्य अथवा छात्र पुस्तकों का आनंद पूर्वक अध्ययन कर रहे होंगे यह सामान्य रूप से कक्षा का शांत स्थान है जिसमें छात्र किसी न किसी शांत लाभप्रद क्रिया में संलग्न रहते हैं, है ना। कहने का मतलब ये कि कक्षा कक्ष के अंतर्गत किसी न किसी प्रकार का सामाजिक अध्ययन जो सामाजिक विज्ञान की जो प्रयोगशाला है उसका स्वरूप जो किसी में वो व्यस्त है और पूरी क्लास अपने स्तर पर वो शांत बैठी हुई है। कोई क्या कर रहा है, कोई किसी का अपने स्तर पर पाठ्यक्रम पढ़ रहा है या फिर कोई पेंसिल छील रहा है या फिर कुछ कोई अन्य कार्य कर रहा है तो ये कक्षा का व्यवस्थित स्थान बैठी है तो ये जिस पे छात्र की न तो किसी शांतना प्रक्रिया में संलग्न रहते हैं किसी भी कार्य में वो संलग्न है तो ये समाज विज्ञान की प्रयोगशाला है उसका स्वरूप के बारे में बताया गया है। फिर आता है इसकी सामाजिक विज्ञान प्रयोगशाला के गुण अथवा विशेषता। सामाजिक
सामान्य विज्ञान प्रयोगशाला के गुण अथवा विशेषता के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। प्रयोगशाला में छात्र स्वयं करके ज्ञान अर्जित करते हैं, क्या करते हैं, ज्ञान ज्ञान अर्जित करते हैं। प्रयोगशाला में जो छात्र स्वयं करके जो सीखते हैं, है ना, तो ये स्वयं अपने ज्ञान को अर्जित करते हैं। इसी के साथ में सेकंड आता है अपना, जो प्रयोगशाला द्वारा छात्रों में दायित्वों का निर्वाह करने की जो क्षमता का विकास किया जाता है, क्या किया जाता है, दायित्वों का निर्वाह, जो दायित्व होते हैं निर्वाह, ठीक है, तो ये करने की जो क्षमता का विकास किया जाता है, जो दायित्व है उसकी जो क्षमता का विकास किया जाता है। फिर इसी के साथ में जो अपना थर्ड आता है, उसमें इसके जो द्वारा जो छात्रों में स्व अनुशासन का विकास किया जाता है, कौन सा, स्व अनुशासन का, है ना, स्व अनुशासन का विकास किया जाता है। सामाजिक विज्ञान जो प्रयोगशाला की जो गुण है, विशेषता है, उसमें जो इसके द्वारा जो छात्रों में स्व अनुशासन का विकास किया जाता है। इसी के साथ में जो फोर्थ आता है अपना, जो वैश्विकरण, वैयक्तिकता और क्रियाशीलता तथा अधिगम के सिद्धांतों को उपयुक्त स्थान प्रदान किया जाता है। वैयक्तिकता क्रियाशीलता फिर आता है इसके साथ में बता दी गो अधिगम के सिद्धांत, तो वैयक्तिकता क्रियाशीलता तथा अधिगम के जो सिद्धांत है उसको उपयुक्त स्तर पर प्रदान किया जाता है। इसी के साथ में जो फिफ्थ आएगा आपका, प्रयोगशाला जॉब के रूप में से धन निर्माण किया जाता है, प्रयोगशाला के प्रयोग से धन निर्माण किया जाता है। फिर इसी के साथ में प्रयोगशाला के प्रयोग से धन शिक्षण के दोषों को दूर किया जाता है, क्या है, जो शिक्षण के दोषों को दूर किया जाता है, क्या क्या होता है, शिक्षण के दोषों को दूर किया जाता है। इसके अंतर्गत जो प्रयोगशाला के प्रयोग में से दर शिक्षण के दोषों को दूर किया जा सकता है। इसी के साथ में अपना जो सिक्स आता है, जो इसके द्वारा छात्र में स्वाध्याय के आदत का समर्थ होता, स्वाध्याय का निर्माण किया जाता है, इसका स्वाध्याय का स्वाध्याय का निर्माण किया जाता है। और इसी के साथ में शिक्षक इसके प्रयोग छात्रों में व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करने में समर्थ होता है, व्यक्तिगत समर्थ, क्या है, व्यक्ति व्यक्तिगत संपर्क, व्यक्तिगत शिक्षक इसके उपयोग से छात्रों से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करने में समर्थ होता है। और इसी के साथ में जो छात्र जो पुस्तक, पत्रिका, संदर्भ पुस्तकें, मानचित्र एवं ग्राफ आदि शैक्षिक सामग्री का उपयोग कर सकता है, क्या है, शैक्षिक सामग्री का,
सामग्री का प्रयोग। ठीक है, तो ये सामान्य विज्ञान की प्रयोगशाला के गुण अथवा विशेषता को दर्शाता है। ये एक बार आप देख लीजिए इसको, ठीक है, और कक्षा को व्यवस्थित बना लीजिए। ज्ञान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।